वेलकम बैक टू माई चैनल फरक एंड दिव्य जयसवाल। हाश फाइनली हमने लॉन्ग ब्लॉग बनाने का सोच ही लिया, तो हम अभी घर ही में हैं, लेकिन मैंने अपनी दीदी को चैलेंज दिया कि मुझे सीक्रेट रूम में ढूंढ के दिखाए। चलो लेट्स गो। सो मैंने इतने सारे कपड़े रेडी किए हैं गाइस, और ये मेरा छोटा सा घर से देख दीदी को कॉल लगाया था, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। एंड दीदी ने बोला तू कहाँ है, मैंने बोला दीदी को मैं घर ही में, दीदी आप मुझे ढूंढना चालू कर दो। वो बोली मैं गेट में हूँ बाहर तरफ, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर है गाइस, जैसे कि पर्दा पहले गिर गया था वैसे ना गिर जाए और वैसे कुछ घटना ना हो, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ऐसे में मेरी दीदी मुझे पकड़ लेगी और मेरा पाँव चला जाएगा। मैं उनके आने से पहले कैमरा सेट करके रखी हूँ। देखो दीदी आ गई है और ये आ रही है। हेलो कहाँ है तू, वहाँ ना छुप गई, अब कहाँ ढूंढूंगी मैं तुझे। ठीक है रुक आ रही हूँ। अरे अगर आ रही है लड़की, बहुत टाइम से छुप कर बैठी, मुझे बार बार बोल रही है तू मुझे ढूंढ करके मैं क्या करूँ, मुझे समझ। चलो अंदर चल कर ढूंढते, घर में घर ही में हूँ। पर भी है क्या वो लड़की, चल छत पर जाकर ढूंढते तो पता चल। सीक्रेट रूम को छत पर तो नहीं बनाएगी, मुझे पता है। दिव्या यार नीचे है, कितना बारिश हो रहा है, वो कहाँ गई होगी लड़की। तब से मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ और ये बच्ची आके पूछती है दिव्या दीदी कहाँ है। कहाँ बस, इधर नहीं है इधर। ये कपड़ा हमेशा ऐसे रहता है क्या, थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ चल बस मैं हार मान गई, अब बता तो दे कहाँ है। जस्ट अभी यहीं से गुजर के गई और बोल रही है मैं इसके अंदर हूँ। कैसे उसके अंदर हो सकती है वो। माय मेरा तो पॉपट हो गया। क्या बैठी मुझे तो गली गली ढूंढ रही हूँ, ये क्या खा रही है और तू भी हमसे छुप कर। सचमुच में मेरा पॉपट हो गया, ये तब से यहाँ आके बैठी और मैं इसी जगह जगह ढूंढ रही थी। आखिर बैठे तो हार मान ही गई, ये मैं भूलना तेरा 500 रुपये मुझे देना है। तो मैं इसे ढूंढ नहीं पाई बट कोई बात नहीं। सो गाइस आज की ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए एंड बाय बाय।